यूएस के बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपनीज मास ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं नौकरियों से। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्टार्टअप्स को नई फंडिंग नहीं मिल रही है, चाहे यूएस की बात करें चाहे इंडिया की बात करें। अगर आप देखेंगे फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए, पैसा लेना बोरो करना महंगा हो गया। तो अगर स्टार्टअप्स को नई फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो एग्जिस्टिंग पैसा जो बैंक में पड़ा उसे यूज करेंगे। अब बैंक अपने पास पैसा रखता थोड़ी है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन वैली बैंक के पास स्टार्टअप्स का ही तो मेजर प्रायोरिटी पैसा था। अब वहां पर जब लोग पैसा लेने पहुंचे तो बैंक को अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ गए। अब इंटरेस्ट रेट में तो फ्लक्चुएशन आ गया था, बैंक को $2 बिलियन का घाटा हुआ। और जैसे ही इन्वेस्टर्स को ये बात पता लगी वो पैसा लेने पहुंच गए बैंक के पास, और ये पता लगा कि इन्वेस्टर्स पैसा लेने पहुंचे तो बहुत सारे और लोग भी पैसा लेने पहुंच गए बैंक के पास। अब बैंक के पास इतने पैसे थे नहीं तो बैंक दिवालिया हो गया। आई होप आपको रीजन समझ आ गया होगा। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।